हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरती प्रिया कुकिंग हब और आज मैं फिर से अपने केक का डिज़ाइन लेके आई हूँ तो चलिए स्टार्ट स्टार्ट करते हैं आज का हमारा केक का डिज़ाइन और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़ सपोर्ट मी और ये जो केक है ये मैंने बिना फाउंडेन के बनाया है तो चले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा केक का डिज़ाइन तो ये जो है ये है दस पाउंड का केक तो इसे मैंने थ्री लेयर में कम्प्लीट किया है क्योंकि मेरे पास जो फोटो आया था केक का डिज़ाइन का सेम यही था तो जो नीचे का लेयर है इसे हम आइसिंग कर लेंगे और जो इसका कलर है ना सेम यही कलर बोला गया था तो मैंने क्रीम में वाली टू ड्रॉप जो है ब्लू कलर डाला है तो ये कलर तैयार हो गया है इस तरीके से हमने ये जो नीचे का लेयर है इसे कंप्लीट कर लिया है अब हम जो मिडिल का हमारा लेयर है उसे कंप्लीट करेंगे इसका भी हम आइसिंग कर लेंगे ये ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था आज का क्योंकि ना फर्स्ट टाइम मैंने ये केक बनाया था यानी इतना बड़ा केक तो मैंने बहुत सारे बनाए हैं पर ये जो इतना बड़ा जो दस पाउंड का केक था ये मेरा फर्स्ट टाइम ऑर्डर था तो आपको इसके लिए करना है ना जैसे आप एक पाउंड के केक में आपको जितना सामान लगता है उसको आपको ना गुणा कर देना है कि आपको जैसे एक पाउंड में जितनी चीज़ें लग रही हैं जितना क्रीम लग रहा है जितना वो करना है तो उतना आपको सब मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है आ, इसका जो है पूरे इस्पॉन्ज बनाने हैं है, है ना तो इस तरीके से ना मैंने इसे किया है और बाकी जिस हिसाब से मैंने इसका एवरेस्ट सब लगाया था सब परफेक्टली बना है तो उसी हिसाब से आपको करना है जैसे हमें एक पाउंड में हमें जितनी चीज़ें लगती है जितने ग्राम लगते हैं उत्तर उत्तर हम टेन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमारा जो है जो सामान का है कितना आपको सामान लगेगा वो रेडी हो जाएगा तो इस तरीके से हमने ये टॉप की लेयर भी कंप्लीट कर ली है तो अब बारी है हमारी इन्हें सेट करने की तो आपको डाल देना है बहुत सारे डालना है क्योंकि केक जो है लोडेड है तो इसे आपको एकदम सपोर्ट के लिए तो आपको डालना ही पड़ेगा नहीं तो बिना सपोर्ट के केक के का डर है तो इस तरीके से हम ना बहुत सारे स्टॉ डाल देंगे और इसी बीच में क्या हुआ कि मुझे आ गया कॉल क्योंकि एक के साथ साथ और भी केक के ऑर्डर के थे तो वो लोग कॉल कर रहे थे तो उस बीच में मेरा जो ये जब स्टेप रखने वाला जो वीडियो है वो स्किप हो चुका है तो उसके लिए सॉरी बाकी मैंने आपको बताया ही है कि कैसे आपको रखना है तो ये हमने बनाया है रिबन से बो तो ये रिबन जो आता है फ़ीता ना उससे मैंने इसका बो बना लिया है मैंने इसमें फ़ाउंडेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है ये मैंने सारा ना बिल्कुल जुगाड़ू अपना तरीका यूज़ किया है तो ये जो है बो लगा दिया है और ये जो है ना साइड साइड में भी मैं रिबन ही लगा रही हूँ फाउंडेन का कहीं पर भी इसमें यूज़ नहीं है तो आप ना बिना फ़ाउंडेन की भी ये केक कंप्लीट कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आपको फाउंडेन की ही ज़रूरत हो बस आप अपना दिमाग अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आप इसमें क्या कर सकते हैं तो मैंने तो यही दिमाग लगाया और ये आइडिया लगा के मैंने इसे बनाया है तो ये मेरा आइडिया ठीक है या नहीं है आप ज़रूर बताइएगा तो इस तरीके से हम दोनों साइड जो है रिबन लगा देंगे और फिर हमारा केक जो है फिर बचेगा इसमें बटन तो बटन के लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया कि जो हमारा कलर बॉडल होता है ना उसमें मैंने जो गनास है थोड़ा चिपका दिया और फिर उसे केक में आ, जो है लगा दिया तो उसे जो है ना बटन बन गई <laughs> तो आप देखिएगा उस वीडियो में तो इस तरीके से ना आ, जो है मेरा केक है ना कंप्लीट हो गया तो मैंने यही किया है तो फिर उसके बाद ना मैंने इसके लिए थे टॉपर्स बेबी बॉस के क्योंकि बेबी बॉस थीम केक था मुझे यही फ़ोटो आया था तो ये देखिए जो है ना कलर बॉटल इसमें मैंने गनास लगा दिया ऊपर पे टॉप पे और उसे फिर उसमें टिप कर दिया तो उससे बटन बन गई तो इस तरीके से ना मैंने इसे कंप्लीट कर लिया विदाउट विदाउट आउट तो ये है हमारे बेबी बॉस टॉपर तो इसे हम लगा देंगे टॉप में साइड में नीचे तक पूरे थ्री लेयर्स में पूरा कंप्लीट कर देंगे उसे लगा के तो आप अपनी चॉइस से आप जिधर चाहे लगा सकते हैं वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है मेरे पास जैसा फ़ोटो आया था ना मैंने वैसा ही पूरा केक को कंप्लीट किया है और ये ना देखिए बीच में जो ये जो टॉपर में लगाई थी ना तो ये पता नहीं क्या हो गया था बार बार ऊपर आते जा रहा था यानी सेट होने के बाद निकल रहा था पता नहीं किस कारण से निकल रहा था समझ नहीं आया तो पहली बार ऐसे हुआ है तो आप लोग भी देखिएगा कभी अगर ऐसे यूज़ करते हैं थोड़ा देख के कीजिएगा क्योंकि एक बार जब लग जाता है उसके बाद निकलता है तो केक हमारा वहाँ से डैमेज हो जाता है तो ये हम हम लगा दे रहे हैं बेबी वॉश टॉपर तो इस तरीके से हम सारे ऊपर नीचे में लगा देंगे और बाकी ना सही में केक इतना सुंदर दिख रहा था बनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था और ऊपर का सॉरी वीडियो में स्किप हो गया है क्योंकि अकेले ही करते रहो ना तो समझ नहीं आता है कि कैमरा किधर है दिख रहा है नहीं दिख रहा है समझ ही नहीं आता और इतना आज टेंशन भारी भरकम टेंशन था इतना बड़ा केक मुझे फर्स्ट टाइम ऑर्डर था इसे मैं कैसे कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी मुझे बस यही टेंशन हो रहा था डर लग रहा था पर मैंने कर लिया बाकी आप लोग बताइएगा आ, तो इस तरीके से ना हम ऊपर भी लगा देंगे टॉपर साइड में भी लगा देंगे और इस तरीके से हमारा जो केक है ना ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके लिए ना आपको बेस जो है ना एकदम मजबूत वाला लेना है आ, तो मैंने लिया है ये तो मैंने फ्रिज में नहीं आ रहा था इसलिए ये लिया है उसके बाद मैंने उसे जो है ना उस पर लगा दिया था तो इस तरीके से ना हमारा जो केक है कंप्लीट हो गया था और ये केक बनाते टाइम तो मुझे ना पता है जब मैं इसे आइसिंग कर रही थी जब मैं बना रही थी मेरे हाथ भी इतने दर्द हो रहे थे पहली बार इतने बड़े बड़े केक बनाया है मैंने तो एकदम इतनी थकावट इतना डर इतना दर्द हो रहा था आज की पूछो हुए मतलब और इसके चलते मैंने दूसरा केक नहीं बन पाया था क्योंकि फ्रिज में जगह ही नहीं थी यही पूरा केक ने जगह ले लिया था एकदम ना जब तक ये गया नहीं तब तक मैंने दूसरा केक नहीं बना पाई एकदम इतना लेट हो गया था आज बहुत ज़्यादा तो फ्रेंड्स हमारा केक हो गया है कंप्लीट इसका फाइनल फोटो वीडियो आप अभी देखेंगे क्योंकि आ नहीं पा रहा था ये तो फिर मैंने बाद में इसका वीडियो छोटा सा बनाया है तो आप देख सकते हैं और यहाँ पे हम लगा देंगे वन तो उसको भी ना पेपर से कट करके मैंने यहाँ पे वन लगा दिया है तो ये देखिए तो फिर उसके बाद हमारा जो केक है पूरी तरीके से कंप्लीट है आपको ये केक कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का ये केक कैसा लगा आपको और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है तो प्लीज़ सपोर्ट मी और बने रहिए मेरे चैनल पे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में